टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, यूपीपीएससी की और कल होने वाले धरना प्रदर्शन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी की बेस्ट बुक की, क्योंकि बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर यूपीपीएससी और यूपीएससी की बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आ गई हैं, बुक्स आ गई हैं और विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर ये ओसवाल बुक्स है, क्योंकि ये यूपीपीएससी और यूपीएससी बड़ी परीक्षा है और यहाँ पर आप लोगों को स्तरीय बुक्स का ही अध्ययन करना चाहिए जिसमें त्रुटियां बिल्कुल भी ना हो और काफी अच्छी हो पढ़ने में। तो यही सब खासियत है इस बुक्स की, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक बात। जैसे ये तो पेपर, ये जो बुक्स है ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है जिसमें 2009 से लेकर के 23 तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाएं कवर की गई हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों। और ये बिल्कुल अपडेटेड पिछली परीक्षा भी इसमें दी हुई है। इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस से पिछले 15 सालों के पेपर हैं, एक्सपर्ट का गाइडेंस है, जो टॉपर है दिव्य शिकरवार आदि उनका यहाँ पर लेख वगैरह आपको मिलेगी इसी बुक में। और साथ में यूपी स्पेशल का अलग से स्टडी मटेरियल, मेंस में तो इसके पेपर जोड़ दिए गए हैं, साथ में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। और साथ में इसमें जो प्रश्नों का जो आंसर है, आंसर की जो एक्सप्लेन किया गया है वो काफी अच्छे तरीके से मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे इस पुस्तक में ये पेपर के बारे में बताया गया है और ये दिव्य शिकरवार का पूरा लेख है, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ दिव्य शिकरवार पीसीएस 2023 टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1। और ये यूपी स्पेशल के बारे में सारा का सारा स्टडी मटेरियल भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सॉल्व पेपर की जो व्याख्या, इसे आप लोग देख सकते हैं काफी विस्तृत तरीके से जो व्याख्या वो दी गई है, ऐसा आपको अन्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेगा। और आपको त्रुटियां तो एक भी नहीं मिलेंगी, कन्फ्यूजन एक भी नहीं होगा, जो आयोग के उत्तर हैं वही इसमें उत्तर रखे गए हैं। इसी तरीके की पुस्तक जो है वो यूपीएससी की भी आती है। इन पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इन दोनों पुस्तकों को जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक अंदर QR कोड मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग टॉपर्स की इंटरव्यू वगैरह और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो यूपीएससी की ये जो बुक है सॉल्व पेपर की, इसमें आपको ये बताया गया ट्रेंड के बारे में कि इस साल कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, कब साइंस टेक्नोलॉजी से कितने पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूरा इसमें जो स्ट्रेटजी वगैरह वो भी बताई गई है। कुल मिलाकर के ये परफेक्ट बुक है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप लोग स्कैन करेंगे तो यहाँ से आप लोग वीडियो देख सकेंगे सॉल्यूशन इत्यादि के। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बेस्ट बुक की बात तो हो गई यूपीएससी और यूपीपीएससी की, अब हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस की। आज सुबह लगभग 11:30 पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एग्जाम डेट को लेकर के। हालांकि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि अक्टूबर के लास्ट में इसकी परीक्षा होनी है और यहाँ पर 28 और 29 तारीख को पीईटी का एग्जाम हो रहा है, वहीं पर आज अभी थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी ने एक और नोटिस जारी की। ये देख सकते हैं, ये आज की नोटिस है, अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई है। जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 27 तारीख को हुई थी आगरा और लखनऊ में, उस परीक्षा की ये आंसर की जारी कर दी गई है, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। लिखा है, उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को ऐतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 27 अगस्त 2023 को संपन्न लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी पर उपलब्ध एक लिंक दी गई यूपी ट्रिपल एससी पर, वहां पर अपलोड कर दी गई है। और संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त लिंक पर उपलब्ध अनंतिम उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए भी यहाँ पर लिंक दी गई है। इस तरीके से जाएंगे आप लोग वहां पर और अगर किसी प्रश्न पर समस्या है तो आप लोग वहां पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यह शुल्क हमेशा की तरह ऑब्जेक्शन फीस 100 रुपए लगी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 100 रुपए का आपको भुगतान करना होगा। और आपको मैं दिखा देता हूं पहले आंसर की। अच्छा, आप लोग आंसर की से मिला लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने बताया था कि ये पेपर इस बार का बहुत ज्यादा टफ था, जूनियर असिस्टेंट का बीपीएससी से भी ज्यादा टफ था, विद्यार्थियों को ये कहना था। और परीक्षा में आधे विद्यार्थी लगभग बैठे थे, ये देख सकते हैं। हिंदी में भी अलग अलग चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि साहित्य से भी आए थे, ग्रामर से भी आया था और इसी तरीके का आपका जीएस का पेपर था, जीएस वाले जो का जो पोर्शन है वो भी इसी तरीके का था। तो काफ़ी अच्छी हिंदी आई थी और हिंदी में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जीएस भी इस बार का काफ़ी हार्ड था। बहुत सारे विद्यार्थी उसी दिन बता रहे थे कि सर इसमें एक कटाफ का वीडियो बना दीजिए, मैंने आज तक नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाया कि होता कुछ और है और कोचिंग संस्थान कुछ और बताएंगे या आप लोग कुछ अपने मन से मिलाएंगे। तो मैं इसी का वेट कर रहा था कि जब तक आयोग की आंसर की जारी नहीं होगी मैं कटाफ का कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा परीक्षा के बाद। हालांकि एनालिसिस के लिए मैंने एक वीडियो जरूर बनाया था जिसमें आप लोगों से ये कहा था कि हाँ भी परीक्षा जो है टफ आई है पिछली बार की परीक्षा, इस तरीके का पेपर नहीं होता रहा है, अभी तक बदलाव भी चूंकि हुआ था। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। ये मास्टर आंसर की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न है और इसमें ये नीचे यहाँ पर उत्तर लिख दिया गया है मास्टर की में, यहाँ पर कोई ऑप्शन वगैरह नहीं बताया गया है।
कि ए अभी इस प्रश्न का सीधे सीधे न विकल्प सीधे ये यहाँ पे प्रश्न लिखा है और उसका ये उत्तर आप अपना अपना मिला लें। थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी ढूंढने में प्रश्न। और जैसे यहाँ पर नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। इस तरीके से आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। और कल बनाऊंगा इसका वीडियो, कट ऑफ का वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब आंसर की के बाद में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बताया गया कि आज इनकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों से फोनिंग वार्ता हुई है और सुनिए कि क्या आश्वासन दिया गया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपीपीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग से आज अधिकारियों से फोनिंग वार्ता हुई, जिसमें कि एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर अतिशीघ्र जारी किया जाए। उसी के संबंध में दो टूक अधिकारियों से वार्ता हुई फोनिंग, जिसमें कि उनका साफ तौर से कहना है कि समकक्ष अर्हता का विवाद अभी पूरी तरीके से सुलझाया नहीं गया। तो जो शासन ने अपनी सैद्धांतिक गाइडलाइन को जारी किया है, सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर पर ठीक 11 बजे एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के तमाम संगठनों के द्वारा पदाधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया कि एलटी जीआईसी पीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी भर्तियां शिक्षक हैं और भी जो पद प्रदेश में पद रिक्त हैं उनको, जो पद खाली हैं उनको तत्काल प्रदेश सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने के करते हुए भरा जाना चाहिए। तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का ये आज ये इस तरीके से ये स्टैंड है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी साथियों से अपील है कि कुछ लोग बालसन चौराहे पे भी जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर जो है एक धरना स्थल है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कार्य करिए ताकि आंदोलन को मजबूती मिले और हम अपनी ताकत सरकार तक दिखाएं और सरकार को इस बात को विश्वास लगातार हम लोग लगभग तमाम। तो यहाँ पर कल धरना प्रदर्शन हो रहा है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती और विभिन्न पदों पर जो भी रिक्त पद हैं, उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो चाहे वो अन्य भर्तियां। इसको लेकर के अन्य बहुत सारे संगठनों ने भी, जैसे यहाँ पर लिखा देखिए कि नागरिक समाज संगठन है प्रयागराज का, उसने भी इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में ये देखिए आप लोग आज चर्चा परिचर्चा हुई धरना प्रदर्शन इत्यादि को लेकर। कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं ये युवा मंच की तरफ से जारी किया गया, संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी किया समर्थन, कोचिंग संस्थानों में छात्रों से अपील की गई है और यहाँ पर नीचे लिखा कि 6 लाख पदों को चुनावों के पहले भरने, खासतौर पर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त पदों को जोड़ने की बात है। प्राथमिक विद्यालयों में जो पद खत्म किए गए हैं उनको जोड़ने की बात की गई है। पुलिस तकनीकी समर्क सभी भर्तियों की बात की गई है। वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, बाद में परिणाम जारी होगा और जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत सारे जो छात्र हैं, हालांकि शुचिता बहुत अच्छी रखी थी बीपीएससी ने, बायोमेट्रिक वगैरह आई स्कैनर सब कुछ लगा हुआ था, मेटल डिटेक्टर भी था, आधार वेरिफिकेशन भी होता, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों ने सेंध लगा दिया और आज इनकी इसीलिए डीवी रिजल्ट के पहले कराई गई है और यहां पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो आज गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।